अगर आप जियो का एयर फाइबर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको एक ये चीज़ पता चल रही होगी कि जियो के ज्वाइन ऐप में एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एक आ रही है जो कि यहाँ पे जो है इंटरनल प्रॉब्लम को लेकर है। तो मैं इसी टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूँ। फिलहाल देख सकते हैं, अगर हम आप क्लिक करते हैं तो भाई इसमें एक पॉपअप आ जाता है जो कि यहाँ पर अब जो है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलता है, जैसे कि ये देख सकते हैं प्लीज़ कनेक्ट टू जियो एयर फाइबर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और पूरी वीडियो जो है इसका पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक जो है होने वाली है। जियो जो इंटरनल एरर है, मतलब इसको यहाँ पे जो एरर की प्रॉब्लम आ रही है इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या स्टेप्स को लेना चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं आपको जो है उन टिप्स को फॉलो करने के बाद कुछ हेल्प मिल जा रही है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप का एक ऑप्शन मिलता है, कुछ सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलता है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सो सिस्टम पे क्लिक करना है। सो सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है जियो ज्वाइन वाली ऐप को, ठीक है। ये देख सकते हैं जियो ज्वाइन वाली ऐप को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले इस डेटा को आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, और परमिशंस में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। परमिशंस में आपको यहाँ पर सारी परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ पर कई सारी चीज़ ले चलते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि आप कॉलिंग करेंगे तो सारी परमिशंस को आपको यहाँ पर गिवन करनी पड़ेगी सभी। जब आप परमिशन देंगे भाई तभी ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। तो सारी ऐप को स्टेप बाय स्टेप आपको परमिशन दे देनी है इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए नोटिफिकेशन है, इसको भी नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, नीचे साइड आना है, फ़ोन का भी आपको परमिशन देना पड़ेगा, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके एलो पे क्लिक कर सकते हैं, और सारी चीज़ को आप अलाउ कर सकते हैं, अलाउड, ठीक है। अलाउड करेंगे तो सारी चीज़ को परमिशन, ये देख सकते हैं यहाँ पे अलाउड का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और बाकी कुछ ये सेटिंग्स हैं जिनको आपको यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना एयर फाइबर एक बार यहाँ पे इस तरीके से वाईफाई को यहाँ पे सिंपल बंद करना है। देख सकते हैं मैंने वाईफाई को पूरी तरीके से बंद कर लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, वापस से आपको जाना है सिंपल जो है यहाँ पे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको जियो ज्वाइन को यहाँ से एक सर्च करना है, सबसे पहले जियो ज्वाइन को सर्च करना है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिलने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे जो है अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, ठीक है। अनइंस्टॉल कर देना है इसको पूरे तरीके से यहाँ पे, ठीक। अब अनइंस्टॉल करने के बाद अब आपको करना क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉल पर क्लिक करना है, फिर से इसको यहाँ पे सिंपल वेट करना है जब तक ये डाउनलोड होता है, ठीक है। आपको सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से, और तब तक वेट करना है जब तक ये जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए, ठीक है। और ये देख सकते हैं फिनिश हो रहा है और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो जिस तरीके से ऐप खोलेंगे ना तो ये ऐप आपको फिर से वैसी मिल जाएगी जैसे आप पहले खोलते थे ना, सारी परमिशंस आपको, मतलब जब आपने पहली बार ओपन करी होगी तो जिस तरीके से आपको मिल रहा है सारा सब कुछ रीसेट हो गया है, ठीक है। आप एक बार अपने इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर बाय द वे आपका बाय द वे किसी कारण से अगर इसके बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपको न्यू अपडेट तक का वेट करना है। लेकिन हाँ भाई, इतना ज़रूर से आप वेट कर सकते हैं, मतलब जितना मैंने प्रोसेस बताया इतना आप ज़रूर से करने के बाद थोड़ा सा आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, अगर कोई टेक्निकली एरर नहीं रही। और टेक्निकल एरर होगी तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे 15 कह सकते हैं कि यहाँ पे 25 डेज तक का वेट करना पड़ सकता है। बट फिलहाल इन चीज़ों को आप ज़रूर से फॉलो कर सकते हैं। तो होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आते सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।